Hi guys, welcome to your 17th Java tutorial in Hindi। हाँ, काफ़ी लंबी चल रही है। अब खुशी की बात ये होनी चाहिए आपको कि ये और भी लंबी चलेगी। मुझे खुद पता नहीं है कि कितने Java tutorials बनेंगे इसके, पर मुझे लगता है कि तकरीबन 50 होनी चाहिए। जो भी हो, मेन टॉपिक पे चलता है। मैंने आपको इस वीडियो में, पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको मेथड्स ओवरलोडिंग सिखाऊंगा, तो मैं आपको इस वीडियो में मेथड्स ओवरलोडिंग ही सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये देखे थे कि हमने दो नंबर्स को पैरामीटर के रूप में पास किया था, सम वाले मेथड को जो है नंबर क्लास के अंदर, और हम इस वक्त खड़े हैं फर्स्ट क्लास के अंदर जो है जिसके मेन मेथड के अंदर, ठीक है। तो अभी हमने देखे कि हमने दो मेथड्स पास किया, तो इसका दो पैरामीटर्स पास किया और हमें इसका डिजायर्ड रिजल्ट जो है मिल गया, ठीक है। अगर आपको 3 नंबर्स पास करने हैं तो क्या करेंगे आप? सोच के देखो। आप देखिए, अगर मैं 3 नंबर इस पे यूं लिखता हूं, फिर से फुल स्टॉप कॉमा, और मैं मान लो मैंने 90 डाल दिया, ठीक है। तो अभी आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? ऑब्वियसली एरर, क्योंकि यहाँ पे तीसरा पैरामीटर नहीं है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा मुझे। क्योंकि अगर मेरे पास यहाँ पे एक इंट सी होता तो ऑब्वियसली नंबर चलती, वो वहाँ उस वक्त पे एरर नहीं आता। और एक्चुअली मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम बिल्कुल चली जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली कोई एरर नहीं है इसमें। पर मेरे इस मेथड में इंट सी नहीं है तो ऑब्वियसली एरर करेगी, क्योंकि इसको पता नहीं है, कंपाइलर को पता नहीं है कि इसको कौन सा मेथड में ले जाना है। चलो इसको हम ट्राई करके देखते हैं। अगर आप मुझे विश्वास नहीं करते हैं तो देखिए, एरर बताया, एरर ये बताया कि नंबर क्लास कैन नॉट बी, सॉरी कहाँ गया, सम इंट इंट इन नंबर क्लास कैन नॉट बी अप्लाइड टू इंट 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 इन सी डॉट सम 55, 65, 90। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे 3 पैरामीटर पास हो रहा है, दिखाई दे रहा है? चलो, यहाँ पे 3 पैरामीटर पास हो रहा है और एक्चुअली सम वाले मेथड में खाली 2 पैरामीटर है, ठीक है। तो मुझे सम वर्ड जो आइडेंटिफायर है मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे इसको जो है रिप्लेस नहीं करना चाहता। ये नहीं कि सम ए, सम बी, सम सी या ऐसे कुछ भी नहीं चाहता, मुझे खाली सम से ही रहना। तो मैं एक कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा जावा का, जिसका नाम है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग ये कहता है कि अगर आपके पास 3 वेरिएबल हैं और अगर आपको वही मेथड यूज़ करना है तो वही मेथड यूज़ करो, और बस एक और मेथड डाल दो यहाँ पे, सॉरी हाँ, एक और मेथड डाल दो जिसमें 3 पैरामीटर्स हैं। और मैं इसको कॉपी करूँगा, मुझे लगता है कि आपको ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बेसिकली होता क्या है कि अगर आप एक ही मेथड का नाम रखना चाहते हैं, ठीक है, और आपको जो है 2 से ज़्यादा वैल्यू जो है, मैं इस केस को लोकलाइज कर रहा हूँ, मैं खाली इस केस के ऊपर ही ये जो है डेफिनेशन दे रहा हूँ आपको, कि अगर आपके पास 2 से ज़्यादा पैरामीटर है, इस केस में 3, और अगर आपको उसको चलानी है तो आपको जो है एक और मेथड बनानी होगी उसी क्लास के अंदर जिस क्लास से आपने पहले वाला मेथड को लिया, पर इस बार आपको वो मॉडिफिकेशन करनी चाहिए जिससे आपका डिजायर्ड रिजल्ट आया, और वो है एक और पैरामीटर को बढ़ाना। इंट सी करके मैंने एक पैरामीटर जो है इसमें बढ़ा दिया, ठीक है। तो देखते हैं कि ये चलते हैं कि नहीं। वक्त आई है टेस्ट का और चल गया, सक्सेस। तो इसको रन करते हैं, तो मेरा डिजायर्ड रिजल्ट आ गया है। मैं बहुत खुश हो गया हूँ, क्योंकि मैं 210 ही देखना चाहता था और मैं 210 देख लिया, ठीक है। और शायद आप लोग भी, मैं सोच रहा हूँ कि शायद आप लोग भी बहुत खुश होते होंगे आपको जब डिसाइड रिजल्ट मिलता है। मैं तो बहुत खुश हो गया। ओके एनीवेज, बकवास नहीं, काम पे वापस आ जाते हैं। तो आपको मुझे लगता है कि आपको जो है मेथड ओवरलोडिंग का हल्का सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बेसिकली इतना ही होता है। अगर आप इसको जितना कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हो उतना कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। और अगर आपको मतलब देयर इज नो लिमिट हाउ मेनी पैरामीटर्स यू वांट टू पास इन, कोई आपको नहीं रोकता कि कितना पैरामीटर्स पास करना है और आपको मतलब कितना सारे कैलकुलेशंस करना है। आप जो है मैं सजेस्ट करता हूँ आपको कि आप इसको ट्राई करें, 2-3 बार 3-4 बार ट्राई करें अलग अलग में। खाली एडिशन से आप संतुष्ट ना हो जाइए, आप मतलब एक्सपेरिमेंट करें 3-4 यू नो मैथमेटिकल जो कुछ भी आपको मतलब प्रॉब्लम्स, जैसे अगर आपको प्राइम नंबर निकालनी हो, 2 नंबर पास करके देखो कि इनमें से कौन सा प्राइम है या फिर इनमें से कौन सा बड़ा है। आप देख मतलब एक ऐसा मेथड बनाओ जिसमें जो चेक करता कि इनमें से 2 कौन सा बड़ा है। क्योंकि मैंने आपको ऑपरेटर सिखाया था, मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर सिखाया था, वो सब यूज़ करके देख लीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ओके एनीवेज, मेरा टाइम इस मेथड्स के लिए इस वीडियो में यहीं पे समाप्त होता है। आगे और भी बहुत सारे एक्साइटिंग ट्यूटोरियल्स होंगे। और अगर आपको ये वीडियो जो है बहुत पसंद आ गया तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया तो आप थम्स डाउन लगा सकते हैं। अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल जो है पूरा सीरीज जो है बहुत अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अच्छा भी लगता है तो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई सा भी डाउट है तो आप मुझे नीचे जो है कमेंट्स में डाल दीजिए, या फिर आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। हाँ, यूट्यूब में पर्सनल मैसेज हो सकता है। ओके एनीवेज, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी योर कॉमेंट्स and your likings and you clicking the subscribe button. So that ends this video. हाँ जी, ये वीडियो यहीं पे सब खत्म होता है till the next video comes in, which is going to be a very exciting topic once again. Goodbye.